बैक करे हीरा मंडी की, तो ये देखने के बाद डिसाइड कर लो ये सीरीज देखनी है या फिर नहीं। अब हीरा मंडी ट्रू स्टोरी पर बेस है जिसमें फिक्शन डाला गया है, और इसमें पहले पाकिस्तान एक्टर्स होने वाले थे जैसे माहिरा खान, हवा खान, इमरान अब्बास, लेकिन सब चेंज कर दिए। 1971 में निगो नाम की डांसर थे, आज पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जिसे बॉलीवुड कहा जाता है जो लाहौर में बेस है वही पर हीरा मंडी हुआ करते थे। और यहाँ के जो तवायफ है हीरा मंडी के वो कई सारे फिल्मों में एज ए एक्ट्रेस काम करने लगी। 60s में नरगिस बेगम जिन्हें निगो कहा जाता था वो हीरा मंडी छोड़कर फिल्म स्टार बनने के लिए चली गई, और डांसिंग स्किल के चलते वो टॉप डांसर भी बने। जो सभी ज्यादा मूवी में अपीयर हुए ख्वाजा मजहर के नाम फिल्म प्रोड्यूसर से मिली कासो फिल्म की शूटिंग के वक्त, दोनों पैर में गिर गए शादी की। लेकिन निगो की जो फैमिली थी वो इसके लिए तैयार नहीं थी क्योंकि हीरा मंडी में तवायफ की शादी होना खेलो वाकई उसूलों के खिलाफ होगा। तो जो निगो की माँ थी उसने बीमारी का बहाना किया और उसे वापस बुला लिया और उसे ब्रेन वॉश या फिर इमोशनली ब्लैकमेल करके वहाँ पर हीरा मंडी में रुकने को मजबूर किया। उसके पति ने कई कोशिश की उसे वापस लाने की लेकिन फेल हो गया खेलो, और ये जो है ये हीरा मंडी से निगो को लाने के पीछे पड़ा उसका पति, और गुस्से में जब ना आई तो उसने गोली चला दी। उसके अंकल म्यूजिशियन सब मर चुके अटैक में, उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुए। तो बेसिकली ट्रेनिंग स्टोरी के ऊपर हीरा मंडी मूवी थी। बात करो सिनेमाटोग्राफी, हीरा मंडी मूवी की बहुत ब्यूटीफुल है, लोकेशन के लो या फिर सेट्स के लो ब्यूटीफुल लगता है। संजय लीला बंसाली जो मूवी है वो सिग्नेचर स्टाइल देखने को मिलता है, ग्रैंड मूवी लगती है। यहाँ तक कि मैं कॉस्ट्यूम डिजाइनर की भी तारीफ करूंगा, वो कॉस्ट्यूम भी बहुत बढ़िया तरीके से बनाए गए, साथ में मार्केटिंग भी बहुत बढ़िया तरीके से हुई है। अब इसके ऊपर मैं कई सारी मूवीज देख चुका हूँ, बेगम जान और भी कई सारे, और विद्या बालन थी बेगम जान में, तो हम सबको पता है विद्या बालन किस लेवल के एक्ट्रेस है, उनका क्या परफॉर्मेंस होता है। तो जाहिर सी बात है सोनाक्षी सिन्हा से मैंने ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था, और वही है लोकेशन सेट हर चीज ब्यूटीफुल है। परफॉर्मेंस सोनाक्षी सिन्हा का एवरेज खेलो, एक दो सीन बहुत अच्छे से कर लिए, बाकी जो हर मूवी में करते है वही क्या है। मनीषा कोयराला का अच्छा परफॉर्मेंस है, और साथ में एक कैरेक्टर ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया, उस्ताद नाम का एक कैरेक्टर है इस सीरीज में, उसका परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। अब इसमें एक और चीज है, गाने बहुत है इसमें, जाहिर सी बात है तवायफ के ऊपर कहानी है तो गाने तो हो गई, तो ये सब्जेक्टिव चीज है। मुझे सीरीज के अंदर गाने पसंद नहीं तो वो मैंने स्किप कर दिए। कई कह रहे कि सीरीज स्लो है तो वो सही है, तुम अगर बिंग वॉच करने की कोशिश कर रहे हो तो सीरीज बहुत स्लो है, मतलब मुझे लगता है 8 की जगह 6 एपिसोड में कहानी पूरी कर देने चाहिए थे। लेकिन तुम बिंग वॉच करने के बजाय अगर दिन के एक दो एपिसोड देखते हो तो ये सीरीज तुम्हें उतना स्लो नहीं लगेगी, और जो पार्ट चाहिए वो स्किप कर दो यार, OTT पर ही सीरीज है। बेसिकली ये होगा कि संजय लीला बंसाली का अभी तक मेरे लिए पद्मावत और बाजीराव मस्तानी ये दो बेस्ट वर्क रहे एंटरटेनमेंट के हिसाब से बोलो, तो तुम एक बार तो सीरीज को देख लो OTT पर है, जो तुम्हें पार्ट प्रेडिक्टेबल लगे वो स्किप कर दो। और एज अ सिनेफाइल बोलो सिनेमाटोग्राफी के लिए मैं कहूंगा एक बार तो ये सीरीज देख लो, मुझे इसकी सिनेमाटोग्राफी अच्छी लगी। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है वो कमेंट करके बताओ।